किया है, क्या कहना चाहोगे उसको लेके? शादी का पूरी फंक्शन पूरी दर्द है जितनी भी वर्ड्स में नहीं आप कह सकते, उन्होंने इतना ज्यादा किया है कि जैसे मैंने बोला भी था भाभी को कि कोई अपने बच्चे को जिस तरह करता है इस तरह भाभी ने हर एक छोटी छोटी चीजें की है कि सबको ये पसंद है ऐसा पसंद है, और सिर्फ हम लोगों के लिए नहीं हमारी पूरी फैमिली के एक इंसान के लिए सोचना कि किसको क्या, मतलब मैं बार बार ही कहती हूँ बहुत बड़ी बात है इंसान खुद रेडी होकर बैठ जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी मेहंदी भी नहीं लगवाई, खुद रेडी भी नहीं हो पाई है, अपने कपड़े भी प्रॉपर नहीं बना पाई है, उन्होंने हर एक अपना पूरा 2 महीने हम लोगों के लिए लगा दिए दिन रात। तो भाभी जैसा इंसान कोई नहीं हो सकता है और कोई चाह के भी इतना नहीं कर सकता, तो उसका वर्ड्स में थैंक यू भी नहीं कहा जा सकता, वो एक अलग है, वो उन जैसा कोई नहीं हो सकता। और मम्मी भी काफी इमोशनल हुई है, क्या कहना चाहिए, मम्मी पापा काफी इमोशनल हुए? तो मेरे दोस्त की तरह है, तो उनका और मेरा रिश्ता ऐसा है कि हम लोग ये जानते हैं कि कैसे एक एक चीज सुबह की चाय से लेके रात में सोने भी नहीं मैंने जाने देती, मेरा बस चले तो मेरे पास ही रहो, तो बहुत ज्यादा मिस करती है, लेकिन वो मुझे खुश देख के खुश भी है। सभा जी, इसके अलावा आपके लुक के बारे में, आप दोनों के लुक के बारे में कुछ बता दीजिए। आपको पता है भाभी हर चीज डिसाइड करती है, लेकिन हम लोगों से पूछ के डिसाइड करके तो भाभी ने ये हमारा ये मेरा डिजाइन किया, ये तो उनका मान्यवर से लिया है, लेकिन भाई भाभी की पसंद का है। और आप बताइए कैसा लगता है? ओके सभा, लास्ट क्वेश्चन जाते जाते ये जानना चाहेंगे, ये ना जैसे आपने कहा कि मम्मी काफी इमोशन आप चाय से लेके हर चीज, वैसे ही शोएब भी यू नो आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। बताती हूँ कि दिन भर में 3-3 बार वीडियो कॉल करते हैं, भाई का ये साइड मैंने कभी नहीं देखा था किसी के लिए, तो हमेशा मैं कुछ भी कर रही होती हूँ तो जबकि इनसे भाई सेट में भी जाते हैं वो उनकी वीडियो कॉल की आदत ही नहीं है किसी का, लेकिन मुझे मेरे फोन पे उनके मिस कॉल पड़े होते हैं, इतने बिजी होने के बाद भी सेट पे रहने के बाद भी पूछते हैं ठीक हो ठीक हो, अगर ये मुझे घुमाने लेके जा रहा तो इतना खुश होते हैं कि चलो अच्छा तुम घूम रही हो। तो भाई जी यू नो ऑब्वियसली आप उनको जानते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा बेहतर तरीके से शो क्या उनके।